पवित्र सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और मैं आया हूँ सावन मास के प्रथम सोमवार को गिरगिटरा के इटवाया तालुके में स्थित अति पौराणिक महादेव के इस मंदिर में। यह स्थल गिरगिटरा से 7, ऊना से 17, कोड़ेनार से 37, सोमनाथ से 65, सासनगीर से 67 और भावनगर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनाहे मुद्यम मुक्षियमामृतान। यह मंदिर तकरीबन 5400 साल पुराना है और इसकी स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। वो यहाँ पे पांडवों की तलाश में आए थे, उनको ये जगह बहुत ही भा गई और उन्होंने अपने तपोबल से यहाँ पे एक नदी को उत्पन्न किया था जिसका नाम था ऋषितोया, जिसे हम अब सब मछुद्री नदी के नाम से जानते हैं। और इसी ऋषितोया नदी का पानी आज भी पिछले 5400 साल से निरंतर जल अभिषेक के रूप में शिवलिंग पे बरसता ही रहता है। मंदिर का पूरा जल आता है इस कुएं में और इस कुएं में सिक्के डालने से होती है मन की मुराद पूरी। यहाँ से होकर पूरा जल इस गौमुख से बाहर निकलता है। इस पानी में नहाने से तन में से नेगेटिव ऊर्जा का समापन होता है और पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। द्रोणेश्वर के इस मंदिर के बिल्कुल पास में ही बनाया गया है द्रोणेश्वर का डैम। आप अगर मानसून के टाइम में यहाँ पे आते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यह है द्रोणेश्वर डैम जो सीजन की पहली बारिश से ही ओवरफ्लो हो चुका है और सामने आपको ये नजर आ जाएगा कष्टभंजन देव हनुमान जी का ये मंदिर। द्रोणेश्वर डैम के बिल्कुल बगल में ही बनाया गया है मारुति नंदन कष्टभंजन देव का ये मंदिर जो हूबहू सारंगपुर जैसा ही बनाया गया है। यहाँ का गार्डन एरिया भी काफ़ी बड़ा है और अगर आप आते हैं अपनी फैमिली के साथ में तो यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं। और अगर आप हैं खाने के शौकीन तो यहीं पर है गुरुकुल स्वामीनारायण संप्रदाय की कैंटीन, जहाँ पर आपको बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता भी मिल जाएगा।